यूं तो नीमच जिला चिकित्सालय हमेशा नकारात्मक खबरों के लिए सुर्खियों में रहता है, किंतु यहां भी कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जिन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नीमच जिला चिकित्सालय में वर्तमान में सेवारत एकमात्र स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लाड धाकड़ ने संसाधनों और स्टाफ की कमी के बावजूद टीम वर्क के साथ हाई रिस्क ऑपरेशन करते हुए जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक मनासा के आंतरी निवासी रामकुंवर पति दशरथ कुमार को डिलीवरी हेतु मनासा शासकीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उसे नीमच के लिए रेफर कर दिया गया। यहां आकर पता चला कि रामकुंवर की बच्चादानी फट गई है और उसके पेट में खून इकट्ठा हो चुका है। उसे इलाज हेतु उदयपुर या अन्यत्र कहीं ले जाने का समय भी नहीं बचा है। ऐसे क्रिटिकल केस में डॉक्टर लाड धाकड़ ने मानव सेवा का जज्बा दिखाते हुए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन कर माँ और बच्चे दोनों की जान बचाई। मामला इतना गंभीर था कि थोड़ी भी देर हो जाती तो जच्चा बच्चा किसी की भी जान जा सकती थी। ये मामला उच्च स्तरीय चिकित्सक का था, किंतु लाड धाकड़ ने अपने कौशल और अनुभव के बूते नीमच में ही सफल ऑपरेशन और बेहतरीन इलाज से कमाल कर दिखाया, जिसके लिए परिजन गदगद होकर डॉक्टर लाड धाकड़ की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। एक्चुअली मनासा से रेफर हुई थी पेशेंट, उन्होंने सीपीडी करके भेजा था, लेकिन जब तक हमारे पास पहुंची तो पेशेंट का बच्चेदानी फट चुकी थी। बच्चा बिल्कुल पेट में आ गया था, फट के बच्चेदानी, खून पेट में बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। ऐसे में जितना जल्दी हम लोग कर पाए, सारा टीम वर्क होता है, स्टाफ होता है, एनेस्थेटिस्ट होते हैं, हम लोग डॉक्टर्स होते हैं, सबने मिल के जितना जल्दी कर सकते थे उसको उतना जल्दी करके उसकी जान बचाई है। थोड़ी देर भी लेट हो जाता तो पेशेंट, मतलब माँ और बच्चे के जान का खतरा होता था। तो ऐसे में हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत कम सुविधाएं हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे मरीज को यूजुअली आईसीयू वगैरह बड़ी जगह मेडिकल कॉलेज जैसी जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ से नियरेस्ट तो है नहीं, तो हम लोग रेफ़र नहीं किए उसको और फिर यहीं पे करने का सोचा, क्योंकि रास्ते में पेशेंट मर जाती है अगर इतना दूर अपन भेजते। तो बीच में एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया था, फिर थोड़े दिन ही काम किया, उसने वापस चले गए। वो अभी तो पता नहीं कभी ज्वाइन करेंगे वापस नहीं करेंगे। तो हम अपनी तरफ से किसी भी पेशेंट की जान बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, है ना। कुछ चीज़ें होती है जो डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होती है, कुछ सुविधाएं आईसीयू वगैरह क्रिटिकल केयर, ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, पर हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं इस पेशेंट को भी कि ठीक है आईसीयू नहीं है, सीरियस पेशेंट है, रेफर कर दो, कर देते अगर करना होता तो, पर पेशेंट की जान पे बनाती, रास्ते में पेशेंट मर जाती, तो उसके लिए हमने अपनी जितनी कोशिश करके यहाँ बचाया, ब्लड भी लगवाया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, पूरा यूट्रस पूरा फट चुका था, उसको वापस रिपेयर किया सब, अभी है बच्चा, दोनों माँ दोनों ठीक है, हॉस्पिटल में है, चल रहा है इलाज। मतलब नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन रोशन दे की रिपोर्ट।